बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और मुझे लगता है कि सीडीएस पे अपडेट पे अपडेट और अपडेट पे अपडेट लगातार आप पूछ रहे थे कि आखिर सर सीडीएस 1 2021 का मेरिट लिस्ट कब आने वाला है और फाइनली कैंडिडेट कब ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आज ये बताते हुए कि फाइनली सीडीएस में आईएमए एफए और आईएनए सीडीएस 1 2021 की मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज कर दी गई। दैट मीन जो बच्चे फरवरी में सीडीएस 1 में एग्जाम में बैठे थे उनका रिटर्न के बाद एसएसबी और एसएसबी के बाद फाइनली उनकी मेरिट लिस्ट जो है रिलीज कर दी गई है। ओटीए की मेरिट लिस्ट अभी नहीं रिलीज हुई है, जैसे आपको पता भी है कि ओटीए की मेरिट लिस्ट थोड़ा सा डिले आती है क्योंकि ओटीए के एसएसबी अभी भी बची हुई है जो एसएसबी कैंडिडेट फेस करने जाएंगे। उसके बाद उनका फिर ओटीए का जो है डन हो जाने के बाद आपके सामने फिर से एक बार फाइनल मेरिट रिलीज की जाएगी जिसमें आईएमए एफए आईएनए और ओटीए सारे के सारे होंगे और उनके मार्क्स भी डिफाइन कर दिए जाएंगे क्या क्या रिटर्न का क्या स्कोर रहा और फाइनली एसएसबी का क्या स्कोर रहा। बट आज बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए आईएमए एफए और आईएनए के विषय में कुछ जानने के लिए। इस मेरिट लिस्ट में 154 कैंडिडेट्स के नाम है। दैट मीन इंडियन मिलिट्री अकेडमी एयरफोर्स अकेडमी और नेवल अकेडमी को मिला के टोटल 154 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। भारतीय सैन्य अकेडमी के लिए 85 मतलब 100 सीट जो हमारे पास है इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए उसमें से 85 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। भारतीय नौसेना अकादमी के लिए 58 को शॉर्टलिस्ट किया गया है जो कि अच्छा नंबर ऑफ अमाउंट है वैकेंसी के हिसाब से। भारतीय वायुसेना अकादमी के लिए 11 कैंडिडेट्स का नाम जो है इस लिस्ट में नॉमिनेट किया गया है। दैट मीन टोटल 154 वैकेंसीज को क्रमशः इसी तरीके से बांटा गया है। इस लिस्ट में उन कैंडिडेट के नाम है जिन्होंने यूपीएससी द्वारा फरवरी में कंडक्ट कराए गए कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के रिटर्न एग्जामिनेशन और बाद में इसी एग्जाम में एसएसबी को क्वालिफाई किया हुआ। दैट मीन ये रिटर्न प्लस एसएसबी की मेरिट लिस्ट है जो हमारे सामने आ चुकी है। सीरियस 121 वैकेंसी की अगर हम बात कर ले क्योंकि ये भी जानना जरूरी कि आखिर सर वैकेंसी क्या थी, तो आई में हमेशा की तरह 100 वैकेंसी थी जिसमें 85 को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आई ने 26 सीट थी लेकिन फाइनल 58 को किया गया है। रीजन क्योंकि आपको पता है कि अभी मेडिकल केसेस ज्वाइनिंग रिज्वाइनिंग बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसके बाद लिस्ट क्लियर होगी तभी जो संख्या है वो ज्यादा ही रखी जाती है। और एयरफोर्स अकेडमी हमारे पास 32 सीट्स थी और उन 32 सीट्स में जो है 11 को फाइनल कर पाए हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आज हम अगर ऑफिसर्स की शॉर्टकमिंग्स देखते हैं तो यही है कि जो पैरामीटर जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं और बोर्ड भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित है और यही कारण है शॉर्टेज का। मैं देश के सारे सीरियस एस्पिरेंट से कहना चाहता हूँ कि हर बार इतनी वैकेंसीज हैं उसके बावजूद वो सीट को फुल नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लेवल ऑफ फोकस डेडिकेशन और गाइडेंस का जो स्टैंडर्ड है वो उस लेवल का आपको नहीं मिल रहा है जिस लेवल के गाइडेंस से आप अपनी एक सीट रिजर्व कर सकते हैं आईएमए में एफए में आईएनए में और ओटीए में। बस जरूरत है कि बेहतर गाइडेंस की ओर बढ़ें। आज हमारे सामने फिर से सीडीएस जो है सेकंड का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। जल्दी आपके सामने फिर से आईएमए एफए और आईएनए का डेट सिलेक्शन लिंक होगा। डेट सिलेक्शन लिंक पाने के बाद फिर से आप एसएसबी के लिए प्रोसेस करें और ये कारवां तो क्रमबद्ध चलते रहना, इसमें कोई रुकने वाला नहीं है। 14 नवंबर को रिटर्न एग्जाम दिया सीडीएस सेकंड का बच्चों ने, अच्छे खासे बच्चे अराउंड 1.5 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हों, केवल 6,845 बच्चों के आसपास जो है क्लियर होते हैं। दैट मीन बाकी तो फेल ही हुए हैं। अब अगला भी एग्जाम 10 अप्रैल को है। इंपॉर्टेंट यही है कि क्या वाकई में जज्बा है। अगर आप जज्बा रखते हैं तो साल दो साल का फोकस चाहिए मुझे, एक साल जम के आइए ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनिए, अपने रिटर्न को भी जबरदस्त ढंग से प्रिपेयर करिए और एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पर्सनालिटी ट्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको भी उस लेवल पर डेवलप किया जाए। प्राउडली हम कह सकते हैं कि सीरियस स्पेशल बैचेस की बात की जाती है इंडिया में, देन वन ऑप्शन इज मेजर कल्सी क्लासेस बिकॉज वी रन स्पेशल बैचेस फॉर द सीरियस जहां 10 बजे से लेकर 4-6 आवर्स की क्लासेस एवरी डे। एक्स्ट्रा क्लासेस अलग है, आपका जो है 2 आवर्स मॉर्निंग सेशन है 2 आवर्स इवनिंग सेशन अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो आपके पास वो टाइम वो स्लॉट दिया गया जहां हर सब्जेक्ट पे हम डेडिकेटली काम कर रहे हैं। बिल्कुल स्मॉल साइज रिटन बैचेस हैं, 60 की स्टूडेंट्स साथ स्पेशल बैचेस हम सीरीज के रन करते हैं जहां बेहतरीन रिटन क्लासेस हैं, हर चीज के एक्सपर्ट्स हैं, हिस्ट्री के अलग एक्सपर्ट हैं, पॉलिटी के अलग टीचर आपको पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी अलग पढ़ाई जाती है, इकोनॉमिक्स अलग पढ़ाई जाती है, इंग्लिश के पीरियड आपके अलग हैं, अर्थमेटिक के पीरियड अलग हैं। हर सेगमेंट को सेपरेटली कवर अप करने की कोशिश की गई केवल एक उद्देश्य से कि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएं। बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटीज आपको दी गई जहां जाकर के आप बेहतर ढंग से अपनी हर समस्या हर प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट कर सकें क्योंकि अल्टीमेट आपको अपनी समस्याओं को खत्म करना होगा और उसके लिए एक बेहतर सपोर्ट की जरूरत है जो आपको देगा मेजर कल्सी परिवार। साथ ही साथ बेहतरीन बुक्स क्योंकि जरूरी है कि जिस कॉम्पिटिशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन को भी अप्रोच करना। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि हम कॉन्सेप्ट तक रह जा रहे हैं, क्वेश्चन पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन अगर नहीं अप्रोच करेंगे आप जिस कंपटीशन के लिए जा रहे हैं तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट का स्टैंडर्ड है जो लेवल है अप टू द मार्क है भी कि नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आएं और एक बेहतरीन कैंपस का हिस्सा बनकर अपने रिटर्न को बेहतर करें। बेहतरीन एसएसबी गाइडेंस के लिए पूरी एक्सपर्ट टीम जहां ग्रुप कैप्टन पांडे सर हैं एक्स वाइस प्रेसिडेंट बनारस बोर्ड, जहां कर्नल जुनेजा सर हैं 17 एसएसबी बैंगलोर बोर्ड, विंग कमांडर केपी ठाकुर सर हैं, कैप्टन एसके सर हैं, पूरी एक्सपर्ट टीम है जो आपके साथ काम करेगी आपके पर्सनैलिटी ट्रेड्स को बेहतर बनाने के लिए। और हमें जल्दी समय दीजिए, मानता हूं डेट सिलेक्शन लिंक्स आनी है बट
आ जाइए, ये कोई 14 दिन का प्रोग्राम नहीं है, आप एक महीने डेढ़ महीने जितना समय आपके पास है हमारे साथ एसोसिएट रहिए और एक ऐसी प्रिपरेशन, एक ऐसी तैयारी, एक ऐसे गाइडेंस को आप लीजिए जो आने वाले एसएसबी में, आने वाले रिटन एग्जाम्स में आपकी सफलता को शत प्रतिशत सुनिश्चित करें। और जो बच्चे वाकई में क्वालिफाई कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, एक बेहतर, मैं नहीं कहता कि ओनली द कोचिंग इज द वे टू गेट द सिलेक्शन, बट मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं से कहीं तक कमी लगती है तो गाइडेंस का आपके लाइफ में एक रोल है और बेहतर गाइडेंस आपको सफलता की ओर ले जाता है। मैं आज इस बात को इसलिए इतनी बार कह रहा हूं कि इतनी वैकेंसीज हैं उसके बावजूद सीट्स फुल नहीं हो पा रही हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं जो पैरामीटर्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो रिटन एग्जाम की बात कर लें या एसएसबी की, वो स्टैंडर्ड, वो चीज नहीं मिल पाने की वजह से ही शॉर्टलिस्टिंग उस लेवल की नहीं हो पाती है। तो मैं कहना चाहता हूं पूरे देश के सीरियस एस्पिरेंट्स, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, डोंट वेस्ट योर टाइम। जिन्होंने अभी रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है, वेलकम एवरीवन इन द कैंपस, आइए आप और फटाफट एसएसबी की प्रिपरेशन में लगे। और जिन्होंने रिटन में सफलता नहीं पाई है, आप भी ना निराश हो, 10 अप्रैल का एग्जाम है, 4 सितंबर को एग्जाम है, आइए और एक बार सच्चे मन तन धन से लग जाओ, 100% झोंक देंगे तो ऑब्वियसली आने वाली जो 413 सीट या 400 सीट या 370 जो कि फ्लैक्चुएशन सीट्स की रहती है, उनमें एक सीट आप अपना बना पाने में जरूर कामयाब हो गए। और हर साल 100 के आसपास सीट्स हैं आपके, बस जरूरत क्या है, एक बेहतर तैयारी के साथ बेस्ट अप्रोच करने का। और मेजर कलशी परिवार आपको देता है, एमकेसी आपको देता है वो प्रिपरेशन, वो स्टैंडर्ड जो सीरियस एग्जाम में आपकी सफलता को शत प्रतिशत सुनिश्चित करेगा। आइए और डिटेल जानते हैं। सीरीज 129 रिटन एग्जामिनेशन में आईएमए में टोटल बच्चे जो फाइनल हुए थे 2679, आईएनए में 1136 और एफए में 637 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए। और इसी में अगर आप बना 2679 में से 85 शॉर्टलिस्ट हुए, मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1136 जो हमारा इंडियन नेवल एकेडमी है उसमें से 58 फाइनल हुए हैं, और एफए जो हमारा 637 कैंडिडेट्स है उसमें से 11 कैंडिडेट केवल फाइनल हुए हैं। टॉपर्स को लेकर अक्सर क्यूरियोसिटी रहती है कि सर टॉपर्स के नाम क्या है, मैं डिफाइन कर देना चाहता हूं। अगर सीरीज फर्स्ट 2021 टॉपर्स की बात करें इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, इंडियन नेवल एकेडमी की और एयरफोर्स एकेडमी की, तो सबसे पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ऑल इंडिया जो है रैंक वन जो रहा है वो पदगन अपूर्व गजानन का रहा है। और कमाल की बात है कि पदगन अपूर्व गजानन ने केवल आईएमए में ही नहीं, आईएनए में भी और कहीं न कहीं एफए में भी जो है अपने इस स्कोर को बरकरार रखा, ऑल इंडिया रैंक वन की पोजीशन को बरकरार रखा। ऑब्वियसली बीटेक बैकग्राउंड का बच्चा है, तभी इसने हर फॉर्मेट में अप्लाई किया और अपनी रैंक नंबर वन को होल्ड किया। सेकेंड पोजिशन पर अनुज सिंह कुशवाहा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और ऑल इंडिया रैंक थ्री मलय ओझा। वहीं हम इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक फिक्स है, पदगन अपूर्व गजानन आपके रहे, बट ऑल इंडिया रैंक टू जो रही वो मलय ओझा की रही, जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ऑल इंडिया रैंक थर्ड थी बट यहाँ पर टू रही। और ऑल इंडिया रैंक थ्री की बात करें तो शुभांकर गायकवाड़ बच्चा है जो कि इंडियन नेवल एकेडमी में अपने थर्ड पोजीशन को गेन किया हुआ है। एयरफोर्स एकेडमी की बात कर लें तो ऑल इंडिया रैंक वन फिर से एक बार पदगन अपूर्व गजानन, बट ऑल इंडिया रैंक टू की बात कर लें तो शुभांकर गायकवाड़ जो कि इंडियन नेवल एकेडमी में ऑल इंडिया रैंक थ्री है, यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक उन्होंने टू गेन की। और ऑल इंडिया रैंक थ्री की बात करें तो सिंधे अनिकेत राजेंद्र ने जो है ऑल इंडिया रैंक थ्री गेन की है इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के अंतर्गत। मैं यही कहना चाहता हूँ बहुत बहुत दिल से कांग्रेचुलेशन आप सबको इस पोजीशन के लिए, जिन बच्चों का नाम आया हुआ है दिल से अगेन बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। बट मैं चाहता हूँ एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन देश में आए, और जिस तरह का जज्बा मुझे एनडीए जैसे प्रिपरेशन में दिखाई देता है इस देश में 10+2 स्टैंडर्ड में, वही जज्बा वही जोश आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज फॉर एंट्री, और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की एंट्री के लिए भी मैं यही जोश चाहता हूँ। तो फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है फाइनली, आप जाएं ज्वाइन करें और बेहतर करें, प्राउड करें इंडियन मिलिट्री एकेडमी को, प्राउड करें एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद को, प्राउड फील कराएं इंडियन नेवल एकेडमी जो है एजिमला केरला को। और पहले भी मैं चाहता हूं कि जो बच्चे इस बार 2021 के सेकंड सीरियस में सफल हुए हैं फटाफट एसएसबी का हिस्सा बने, और आप भी इन प्रेस्टीजियस एकेडमीज में जाके अपना नाम करें। और जो बच्चे रिटन नहीं क्वालिफाई किए हैं एक बार सच्चे दिल से यूपीएससी की बेहतर प्रिपरेशन करें एमकेसी के साथ जुड़ करके, और अपनी सफलता को शत प्रतिशत सुनिश्चित करें, क्योंकि फौज केवल नॉलेज का टेस्ट नहीं है और एक पर्सनालिटी का टेस्ट है। और मुझे लगता है कि अगर आप उस एकेडमी का रास्ता बनाना चाहते हैं तो आपको मेजर कलशी एकेडमी से जरूर होकर गुजरना होगा। तो बस ऑल गुड लक, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, और मैं सबको स्वागत करता हूं एमकेसी परिवार में खुले दिल से। आइए जज्बे के साथ लगे और इस बार हम सब मिलकर कमाल करेंगे और बेहतर रिजल्ट लाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद जय भारत।